Hello friends, how are you all? Today we are going to see chapter 6, that is formatting a document. As you can see that I have done the formatting. Maine already yahan word art liya, and in that you can see the color I have changed it. I have changed the text color, right? Even I have changed the formatting of it. So yes, formatting means what? Formatting yani changing the appearance of the document, right? So aapko pata hai that word is a document, right? It is known as a document, and as you can see ke wo डॉट डी ओ सी एक्स के एक्सटेंशन से वो सेव होता है राइट सो दैट इज द थिंग एंड इट मेक्स इट अट्रैक्टिव राइट फॉर्मेटिंग मीन्स टू मेक इट अट्रैक्टिव एनहांस द लुक ऑफ इट सो लेट्स सी हियर यू कैन सी सम ऑफ द लिस्ट दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट शेयर विथ यू कि हाँ आप लोग मेरी चैनल रचना जाधव पे जा सकते हैं एंड यू कैन सी ओवर देयर मेनी ऑफ द वीडियोस रिलेटेड टू योर टॉपिक राइट सो आपके जो आगे के चैप्टर्स है लाइक फ्रॉम चैप्टर 1 to 5 दैट ऑल्सो यू कैन रिफर फ्रॉम देयर एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियोस एंड यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस इफ यू आर हैविंग एनी डाउट अनदर थिंग दैट इफ यू वांट टू नो कि हाँ आप मोबाइल में कैसे करेंगे द एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग इन वर्ड तो आप मेरी चैनल पे जाइए इवन ऑन द आई बटन जो आप आपको दिख रहा होगा ऊपर अबव सो इन दैट आई बटन ऑल्सो आई विल शेयर इट कि हम मोबाइल में कैसे एडिटिंग करना है एंड द फॉर्मेटिंग सो लेट्स स्टार्ट आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉन्ट फॉर्मेटिंग अगर आपको करना है देन यू हैव द फॉन्ट ग्रुप इन होम टैब देर आर मेनी ऑफ द ऑप्शन लाइक फॉन्ट ग्रुप इन दैट यू कैन डू द फॉर्मेटिंग दैट इज रिलेटेड टू टेक्स्ट देन पैराग्राफ In that you can do the formatting related to paragraph. You can see your different styles, right? So यहाँ आप style select कर सकते हो like heading, title, subtitle आपको देना है that you can do. Copying and moving the command that is means to moving the text or copy the text या फिर आप कुछ और copy करना चाहते हो then you have the clipboard over here the option, right? So clipboard group. Then find and replacing the text, right? So find and replace command आपको कहाँ मिलेगा you will get it in the editing group. Now the first thing that is the changing the font type. अगर आपको font अलग अलग लेने हैं right? So you want to make it more attractive, तो आप क्या कर सकते हो You can go with the help of font group, okay? If you want to go with the shortcut, तो यहाँ font dialog box open करने के लिए the shortcut is also shared with you. Control Shift F, तो यहाँ font dialog box open हो जाएगा From that you can do the selection, okay? But I will show you over here. I'll just select first of all the text. यहां मैं select कर रही हूं text. Okay. I'll just select the text. And then I will do the changes. Right. So here when I will click on the font. यहां मेरे पास बहुत सारे fonts है. तो आप कोई भी एक font लेकर आप क्या कर सकते हो You can apply it. But first remember कि आपको select करना है You have to select the text. Okay. So you will select the text by this way and again I will show another font. Even you can, अगर आपको याद है कोई font, तो आप यहां से ही लिख सकते हो like I know Comic Sans MS, right? So जैसे ही मैंने COMIC लिखा, so I can get it from here. This is a tip for you that you can just search it by this way also and you can see the change over here, the font, right? Now the next one is bold, italic and underline. तो बोल्ड यानी क्या टू टर्न इट डार्क राइट वो वर्ड को वो क्या कर देगा डार्क इफेक्ट दे देगा जैसे आप करते हो ना कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को राइट सो द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स यू कैन हाईलाइट इट विद द हेल्प ऑफ द बोल्ड इफेक्ट इवन यू कैन यूज इट इटैलिक इटैलिक यानी क्या कि वो स्लैंटिंग फॉर्म में आपको दिखेगा राइट सो हियर यू कैन गिव द इटैलिक अनदर द थर्ड वे इज टू अंडरलाइन आप कितनी बार देखते हो कि हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग अंडरलाइन करते हैं राइट सो दैट थिंग आल्सो यू कैन डू ओवर हियर एंड हियर आर द शॉर्टकट्स दैट इज कंट्रोल प्लस बी कंट्रोल प्लस आई एंड कंट्रोल प्लस यू फॉर बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन नाउ हाउ यू विल गो बाय द ग्रुप तो आप क्या करोगे फर्स्ट आई एम जस्ट सिलेक्टिंग द एरिया आई विल जस्ट सिलेक्ट इट ओके आई हैव सिलेक्टेड एंड हियर यू कैन सी दैट आई हैव टर्न इट बोल्ड मैंने पहले ही आपको बता दिया दैट आई हैव गिवन द बोल्ड इफेक्ट एवरीवेयर राइट तो आप क्या कर सकते हो बी पर आप क्लिक करोगे इट इज लाइक अ टोगल बटन तो ऑन एंड ऑफ की तरह वर्क करेगा राइट तो ये ऑन हुआ एंड देन एज आई विल क्लिक इट अगेन यू कैन सी ओवर हियर दैट द बोल्ड इफेक्ट इज नॉट देयर ओके नाउ अगेन आई विल गो विद द इटैलिक You can see here
इट विल टर्न इन टू इटैलिक स्लैंटिंग जो मैंने आपको बताया था. अगेन इफ आई विल क्लिक इट विल कम बैक टू नॉर्मल. अंडरलाइन का इफेक्ट दिया तो ये आपको दिख रहा है कि ये अंडरलाइन हो गया राइट. इफ आई वॉन्ट टू रिमूव इट हियर ऑल्सो वी हैव द ऑप्शन यहाँ ड्रॉप डाउन में कि डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन यू वॉन्ट टू यूज इट तो आप कर सकते हो. इवन द कलर्स यू कैन सिलेक्ट फॉर द अंडरलाइनिंग राइट. सो आई डोंट वॉन्टेड अंडरलाइन तो मैंने रिमूव कर दिया एंड अगेन आई विल गो विद द बोल्ड. ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज टू अलाइन द टेक्स्ट. इन अलाइनिंग द टेक्स्ट देर आर फोर टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स विच यू कैन सी इन द पैराग्राफ ग्रुप. आपको पैराग्राफ ग्रुप में मिलेगा. यहाँ आपको दिख रहा है लेफ्ट सेंटर राइट एंड जस्टिफाई. ओके सो देर आर फोर टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स दैट इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. प्लीज रिमेंबर ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है. इन दैट लेफ्ट मीन्स इट विल बी फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन. आपको यहाँ जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगी तो वो क्या बाय डिफॉल्ट में वो लेफ्ट में ही है. यू कैन सी दैट इट इज लेफ्ट अलाइन. आपको हाईलाइट करते हुए आएगा. देखिए यहाँ हाईलाइट हुआ है दैट इज लेफ्ट अलाइन. ओके देन आई विल सिलेक्ट इट राइट सो इट विल गो टू द राइट मार्जिन राइट. वो राइट मार्जिन के ओर से चलेगा. एंड इवन इफ यू आर सिलेक्टिंग फ्रॉम बिफोर ऑफ दैट कि राइट अलाइनमेंट आपने सिलेक्ट कर लिया तो वो लिखना शुरू करेगा यहीं से. द कर्सर विल कम ओवर हियर ऑन द राइट साइड ओके ऑफ द मार्जिन. Then center, so it will come in the middle, right? Middle means over here that center of the left and the right margin. In dono ke beech mein, left or right margin ke beech mein. Now justify, that is evenly in between of right and left. Okay, aap log dekhte honge ki kitne magazines mein aur ye sab mein columns mein likha hota hai, but it is in the margin. Yani acche se wo margin set kiya hota hai, uske according utne area mein wo evenly spread ho jata hai. Okay. So here you must remember the shortcuts and also with that I have explained you okay, how you have to do. You have to select and then you will select the alignment from the paragraph group. Now changing the text case. In that, हमारे पास five options है. That is sentence case, lower case, upper case and capitalize each word and toggle case. So first one is sentence case. That is by default. Everyone know that when you start writing and when you give the full stop and afterwards you are writing again another sentence, तो आप देखते होंगे कि the first letter जो होता है वो capital होता है right of any of the sentence. तो वही हमारा apply हो जाता है at the first. Then lower case means it will turn everything in the lower case. I'll just select this area. Okay, and then I will go with this option. You can see a change case. Okay, and in that lower, you can see that C was in capital. C capital में था वो small हो गया. Again control Z करती हूँ. You can see that C is in capital. Okay, तो ये हो गया lower case. Now upper case means it will be everything will be in capital letter. मैं यहाँ select कर रही हूँ and I am going to this part and I am pressing upper case. You can see that everything is turning to capital, right? I will come back. Control Z करेंगे. Capitalize each word. यानि जो भी word उसका starting जो letter होगा that will be in capital. So yes, I will just show you over here. Okay, so here you can see that the first letter of any word it is in capital. Okay, and the opposite over here is in the toggle case. वो reverse है right? उसका उल्टा. Okay, उसमें क्या होगा कि जो भी कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा एंड वेर एवर यू आर हैविंग द स्मॉल लेटर दैट विल टर्न टू कैपिटल. तो हम लोग करते हैं यहाँ स्टार्ट. सो आई विल जस्ट सिलेक्ट इट एंड आई विल गो टू दिस एरिया एंड आई विल गो विद द टोगल केस. यू कैन सी दैट व्हाट एवर आई हैव रिटन इन स्मॉल लेटर वो सारा कैपिटल हो गया और जो कैपिटल लेटर लिखा था दैट इज टर्निंग टू स्मॉल. ओके नाउ changing the line spacing. अगर आपको line spacing देनी है in between of the two lines you want to give more space तो आप क्या कर सकते हो. You have to select the text. जैसे मैंने select कर लिया. You can go over here. In that we also have the option. यहाँ हमारे पास option होते हैं. Some of the options we get it कि आपको line spacing देनी है और otherwise you can go to the paragraph dialog box. Paragraph पे आप click करोगे right तो यहाँ क्या आएगा. You will see indent and spacing, right? तो आपको indent और spacing में यहाँ spacing वाला option मिल रहा है before and after. You can see even with that यहाँ आपको दिखेगा कि whatever the spacing you are giving, right? तो आप spacing दे सकते हो, even indentations आप दे सकते हो. Indentation यानी वो move होगा. मैं आपको बता देती हूँ.
लाइक योर दिस इज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज. देखो ये डिक्रीज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, दिस इज टू इंक्रीज, दिस इज टू डिक्रीज. ओके, तो आपको इंडेंटेशन यानी टैब्स मूव करना वो भी एक है. आफ्टर दैट हमारे पास है बुलेट्स एंड नंबरिंग, राइट. तो बुलेट्स एंड नंबरिंग, एज यू कैन सी योर के मैंने एक बुलेट लिया हुआ है. सो आपको अगर बुलेट्स देने हैं, योर यू हैव द ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन. पैराग्राफ ग्रुप में ही है, देखिए मैंने यहाँ चेंज कर दिया. इवन यू कैन गो विद द सिम्बॉल्स, तो आप डिफाइन कर सकते हो. यू कैन डिफाइन इट फ्रॉम योर, यू कैन टेक एनी ऑफ द सिम्बॉल विच यू वॉन्टेड. ओके, तो आप ले सकते हैं एंड क्लिक ऑन ओके. इवन यू कैन चेंज द साइज, उसका साइज कलर आप चेंज कर सकते हो. ओके, देन यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द पिक्चर. अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो आप वो पिक्चर को ले सकते हो. ओके एंड यस, नेक्स्ट आफ्टर दैट नंबरिंग, यानी नंबरिंग. आप देखते होंगे क्या कितनी बार हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं, वी राइट द पॉइंट्स इन अ सीक्वेंस, सो दैट यू कैन राइट इट विद द हेल्प ऑफ द नंबरिंग. योर डिफरेंट नंबरिंग यू कैन सी ओवर योर ए बी सी डी 1 2 3, सो यू कैन अप्लाई एनी वन एंड यू कैन डिफाइन ऑफ योर ओन. आपको अगर खुद का डिफाइन करना है आप खुद का डिफाइन कर सकते हो. जैसे यहां मैंने स्क्वायर ब्रैकेट फुल स्टॉप के साथ दे दिया, यू कैन सी देयर इज अ चेंज, राइट. वो ऑलरेडी नहीं था, राइट, आपके लिस्ट में नहीं था, बट यू हैव क्रिएटेड ऑफ योर ओन, तो आप अपना खुद का क्रिएट कर सकते हो. ओके, आई जस्ट गो विथ कंट्रोल जेड. नाउ अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग. यस, अगर आपका कोई मीन्स पैराग्राफ है उसको आपको बॉर्डर देना है, आई हैव सिलेक्टेड. नाउ यू कैन सी हियर दिस ऑप्शन इन दैट बॉर्डर एंड शेडिंग. तो बाय डिफॉल्ट वो नन है, यू कैन गो विद द बॉक्स. बॉक्स में आपको अलग अलग स्टाइल, यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द स्टाइल विच यू वॉन्टेड. यू कैन सिलेक्ट द कलर फ्रॉम योर, इवन यू कैन सिलेक्ट द विथ, यानी उसकी थिकनेस आपको कितनी चाहिए, राइट, कितना वो पतला होना चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए, दैट यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्फ एंड क्लिक ऑन ओके. यू जस्ट सी द पैराग्राफ इज चेंज, यू कैन सी द बॉर्डर्स आर गिवन, राइट. तो आप ऐसे ही अलग अलग पैराग्राफ के लिए बॉर्डर्स या फिर पूरे यानी आपको पेज के लिए देना है, देन पेज बॉर्डर भी ऑप्शन आता है. ओके, सो यस, इन दैट यू वांट टू गिव शेडो, तो आप शेडो इफेक्ट भी दे सकते हो. शेडिंग, शेडिंग मीन्स यहाँ उसमें कलर देना है, यू वांट टू गिव द कलर ओवर देयर, सो यू कैन गिव द कलर. यू कैन सी द कलर इज चेंज, राइट, सो इनसाइड द कलर इज चेंज. नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज अबाउट अप्लाइंग ड्रॉप कैप, दिस इज द लास्ट वन. ओके, ड्रॉप कैप कैसे आप करेंगे? सो फर्स्ट आपको क्या करना है, वो सिलेक्ट करना है, राइट, द टेक्स्ट विच यू वॉन्टेड. आई जस्ट शो यू ओवर हियर, मैंने इसको रिमूव कर देती हूँ एंड आई एम राइटिंग योर डी. नाउ आई विल गो फॉर द ड्रॉप कैप, तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू सिलेक्ट इंसर्ट एंड इन दैट इन द टेक्स्ट ग्रुप आई हैव दिस ऑप्शन where it is given dropped. Okay, even go with the drop cap options, तो आपको यहाँ बहुत सारे options मिलेंगे, like dropped, I will select in margin, तो margin के साथ, देखिए अलग अलग way है, right? So you can do the selection of your own and you can do it. So you can see that even you can select the line, यानी आपको कितने line तक वो चाहिए वो भी आप decide कर सकते हो. Here you can see that lines to drop 3, right? I want only 1. तो वो simple वैसा ही आ जाएगा. Okay, so this way you can do it. And I think so now it is clear to you all about this chapter. And if you have any doubt, you can comment, right? तो आप comment करके मुझे पूछ सकते हो. And thank you. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.